चलो शुरू करते हैं। चैनल यू आर वॉचिंग दैट परफेक्ट जर्नी एंड दिस इज विशाली। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो, जो कि है मेरा वेट लॉस जर्नी पे। सो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई मेक वीडियोज ऑन लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, फैशन, ब्यूटी एंड मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस व्लॉग्स चेक नहीं किए हैं कश्मीर पे, जीवा हॉल पे, तो अभी जाके आप चेक कर लो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। तो प्लीज़ गाइज, गो चेक देम आउट। सो गाइज, मैंने आई बटन पे ऊपर लिंक कर दी है अपनी वीडियो, सो प्लीज़ गाइज, गो एंड चेक माई वीडियोज। सो गाइज, वेलकम टू माई वेट लॉस जर्नी। तो गाइज, इस दुनिया में लोग कई तरह से अपना वेट लॉस करते हैं। कुछ अपना सर्जरी के द्वारा करते हैं, जिसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, और कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो कि कई बार जिम जाके वेट लूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कम खाना खाते हैं, कई लोग भूखे रहते हैं। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे वेट लॉस किया है और कितने महीने में और कितना वेट लॉस किया है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मैंने ये डाइट क्यों स्टार्ट किया, क्यों मैंने डाइट और वेट लॉस जर्नी पे अपना एक मेन फोकस किया है अपनी लाइफ में। बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लग गई थी, मेरा मेरे को लेजी फील हो रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, और प्लस मेरा जो BMI है वो मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो मेरा होना चाहिए एक्चुअल में, तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा, मीन्स ओवरवेट ज़्यादा था, और ओवरवेट भी एक लाइन पे नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट ज़्यादा था। तो मेरे को खुद से ही अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो आई थॉट कि मेरे को भी डाइट शुरू करना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो आगे जाके आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है आपको, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और स्ट्रेस होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, बहुत सारी बीमारियां आपको ये ओवरवेट होने से आती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। दैट्स वाई आई रियली फोकस्ड ऑन मुझे वेट लॉस करना चाहिए। तो गाइज, मैंने बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी टिप्स जो आपको ड्यूरिंग योर वेट लॉस फॉलो करनी चाहिए, वो मैंने अपनी ये वीडियो में बीच में बता रखी हैं। तो आप कोई भी पार्ट, इवन नॉट इवन अ सेकंड, आप मिस मत कीजिएगा मेरी वीडियो का, अदरवाइज आप वो इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर देंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू आर थिंकिंग टू लूज योर वेट एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, ये वेट लॉस जो मैंने खुद से शुरू किया है, उसको करने से पहले भी मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी हुई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने एक्चुअली 2019 में नवंबर में एक डाइटिशियन को अप्रोच किया था टू गिव मी अ वेट डाइट प्लान, सो दैट मैं अपना वेट लॉस कर सकूं। उस टाइम 2019 के नवंबर में मेरा वेट था कुछ 54.6 के करीब। तो मैंने डाइटिशियन को अप्रोच किया एंड मैंने उनको 8,000 रुपीज़ दिए फॉर 3 मंथ्स प्लान, एंड उन्होंने मुझे वेट लॉस का वो डाइट प्लान दे दिया, और मैंने शुरू भी किया और उसको फॉलो भी किया 1 मंथ के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक तो मैं वर्किंग हूँ, ऊपर से मेरे को वो ताम झाम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आपको इडली खानी है तो मिलेट इडली खानी है, वो भी सिर्फ 2 खानी है, तो इतना बड़ा ताम झाम करो आप सिर्फ 2 इडली के लिए, और वो भी आपको अपने लिए स्पेशल अलग से बनानी है, तो बहुत ज़्यादा तामझाम हो रहा था और मैं वो फॉलो नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से 1 महीने के लिए फॉलो किया और अल्टीमेटली मुझे वो स्किप करना पड़ा, बट वो 1 महीने में मेरा 5 kg लूज हो गया था। तो मैंने वो कुछ दिसंबर तक लूज कर लिया था, उसके बाद मैंने वो डाइट प्लान छोड़ दिया। तो
तो लाइक मुझे अब लगता है कि मैंने वो 8,000 बिल्कुल वेस्ट किए हैं अपना पैसा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको डाइटिशियन की जरूरत है, वो आपको सिखाएगा पढ़ाएगा, वो आपको रोज मैसेज करेगा कि आपको ये फॉलो करना है तभी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक वेट लॉस जर्नी सिंपल एक माइंड गेम और कॉन्सेंट्रेशन है जो आपको खुद से करना है, वो आपको कोई जिंदगी में नहीं करा सकता। आप छुप छुप के बर्गर खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, फिर चाहे आप 1,000 रुपए की डाइट लो चाहे 10,000 रुपए की डाइट लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने भी जो डाइट लिया था, नो डाउट उनकी डाइट से बहुत लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट मेरे को वेस्ट लगता है कि किसी डाइटिशियन को आप अप्रोच करो और आप वेट लॉस करो। तो मैंने दिसंबर में वो डाइट फॉलो छोड़ दिया था करना। उसके बाद आ गया 2020 का नवंबर। 2020 के नवंबर में मेरा वेट हो गया था 58.9। मैंने शुरू किया था 54.6 से, लास्ट ईयर हो गया था मेरा 50 के करीब, बट अभी जब मेरा वेट एक साल बाद जो बढ़ा है वो हो गया 58.9। इतना ओवरवेट हो गई, एक तो मेरी हाइट भी छोटी है तो वेट इतना ज़्यादा होने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी लगने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे को कुछ तो करना है, कुछ तो करना ही है मुझे, बट मेरे को फिर से 8,000 रुपये नहीं खर्चने और उनका डाइट प्लान मुझे फॉलो नहीं करना। मेरा करंट वेट कितना है? था कि क्या ऐसी वो फैंसी डाइट्स में देते हैं कि आपका वेट लूज यूं ही हो जाता है, 3 महीने में बंदा यूं पतला होके निकलता है। तो मैंने भी अप्रोच किया, देखा, बट इट वॉज अ बिग फेल फॉर मी। मैंने मैं जिंदगी में कभी डाइटिशियंस को अप्रोच नहीं करूंगी आगे से। तो आपको भी डाइट, अगर वेट लूज करना है, सिंपल आप घर का खाना खा के वेट लूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं। आपको कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। डाइटिशियंस ज्यादातर आपको एकदम फैंसी डाइट्स देते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता, आपको सुपर मार्केट्स में जाना पड़ता है, जैसे चिया सीड्स ये वो, तो इट इज अ बिग फेल। तो आप घर का खाना खा के डाइट अपना वेट लूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। मैंने अपना, मैं आपको एक बेसिक वो दे दूं कि मैंने 2.5 मंथ्स में अराउंड 10 kg लूज किया है। 2.5 मंथ्स में 10 kg, और बहुत आसानी से लूज हुआ है। कुछ ऐसा मैंने बहुत फैंसी फैंसी कुछ नहीं खाया, सिंपल दाल रोटी चावल जो घर का खाना होता है वो खाए हैं। जैसे जैसे आप डाइट फॉलो करते हैं, देखो पहले आपकी बॉडी को पहचानो कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता। जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने अपनी बॉडी को पहचाना कि जैसे मेरा ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं दिन भर मोस्टली मैं महीने में 20-25 दिन तो ट्रैवल ही कर रही होती हूँ। तो ट्रैवलिंग की वजह से वैसे भी इंसान को होता है कि ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मेरी बॉडी में भी यही है कि मेरे को ब्लोटिंग ना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर मैं कम पानी पी रही हूँ तो ब्लोटिंग हो जाती है। तो मेरे को होता है कि हर 2 घंटे में मेरे को कुछ खाना है, नहीं तो ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी ये सब मेरी बॉडीज को होता है, और इसी वजह से मेरा बहुत ज्यादा बॉडी का बुरा हाल हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग लाइक पेट फूलना, जब आप कुछ नहीं खाते या कुछ बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हो तो पेट एकदम आपका फूल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। तो गाइज मेरा जब मैंने नवंबर में अपना दिसंबर 2019 में मैंने अपना वेट लूज किया था, उसके एक ईयर बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई कि अब क्या वेट लूज तो यूं ही हो जाता है। तो मैं दिन भर कुछ खाती नहीं थी, एक तो मेरा इतना ट्रैवल का रहता है, ऊपर से दिन भर कुछ ना खाना तो मेरे को इतना ज़्यादा ब्लोट होने लग गया था। मैं रात को खाती थी बस भर के, एकदम दाल चावल सब्जी रोटी सब ठूस लिया, फिर अगले दिन सांस नहीं आनी बट फिर भी खाना है। तो बॉडी का मैंने एक साल बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, और उसकी वजह से मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया। 50 kg तो मैंने कर लिया था, इस बार मेरा वजन हो गया कुछ 58.9, तो अराउंड अराउंड 10 kg मेरा बहुत आसानी से एक साल के अंदर बढ़ गया। तो मुझे हुआ कि नहीं नहीं अब तो मेरे को अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अब वेट लूज करना है, बट मेरे को 8,000 रुपये नहीं खर्चना। तो आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने बहुत सारा इंटरनेट पर सर्च किया कि मैं कैसे क्या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती। सो घर पे ही मैंने फिर ये रूटीन अपना चालू किया। तो मैं आपको अब अपने बेसिक रूटीन से रूबरू करवाऊंगी कि मैंने क्या फॉलो किया क्या नहीं फॉलो किया, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीच में, क्या टिप्स थे कि जिसकी वजह से मेरा वेट लूज कभी कभी नहीं हो रहा था, एक जगह स्टक हो गया था। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो इन बिटवीन एंड लेट्स स्टार्टेड विद द रूटीन। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं नीचे कि मैं कोई डाइटिशियन या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी मैं बता रही हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, जो मैंने खुद अपने आप पे लागू किया है। गाइज आई एम टेलिंग यू नाउ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अपनी डाइट के दौरान फॉलो करने हैं। सो नंबर 1 टिप इज कि जो आपका ये वेट लॉस है ये आपका माइंड का गेम है।
प्रॉपर माइंड का गेम है, कंसंट्रेशन है। अगर आप अपना माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर दोगे कि आपने बर्गर देख लिया तो ये मैं खा लेता हूँ ना, क्या होता है इससे, तो नहीं, ये नहीं। तो आपको इससे सोचना है कि 2 दिन पहले आपने क्यों स्टार्ट की थी ये जर्नी, वाई यू हैव स्टार्टेड दिस। तो अगर आप वो 2 दिन अगर आपने अच्छे से डाइट फॉलो किया, सुबह उठे, ये वो फलाना ढिमकाना अच्छा अच्छा खाया, आज आपका बर्गर खाने का मन कर गया, तो कोई फायदा नहीं है वो दो आपका दिन फॉलो करने का, बिकॉज एक बर्गर आपको अगले 1 हफ्ते तक आपका वेट लूज नहीं होगा, वो स्टक हो जाएगा एक जगह, क्योंकि आपको पता है मैदा पचने में कितना टाइम लगता है, 48 आवर्स आपको कम से कम मैदा पचने में लगाता है आपका स्टमक। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को करना है तो मीन्स करना है। अगर आपको बीच में लगे कि नहीं यार मेरे को क्रेविंग हो रही है, तो प्लीज स्टॉप दैट क्रेविंग, अपने फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो कि आपकी बॉडी इस जर्नी के बाद जब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो कितना अच्छा होगा। आपको हर कपड़ा फिट आएगा, आपको हर कोई कमेंट करेगा कि वाह ये वो ये, मतलब पॉजिटिव चीजें आपको सोचनी है। दैट्स वॉट अबाउट वेट लॉस जर्नी इज टोटली। सेकेंड टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है, डोंट बी लेजी वाइल फॉलोइंग योर प्लान प्लीज। जैसे मैं भी कभी कभी लेजीपन दिखाती हूँ कि सुबह जल्दी नहीं उठना, ये नहीं बनाना, क्योंकि ज्यादातर जो वुमेन अगर ये फॉलो करना चाहती हैं प्लान, वुमेन ज्यादातर वर्किंग होती हैं, तो एक वुमेन को अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, सब कुछ देखना है, घर में बच्चे देखना है, ये देखना है, झाड़ू पोछा करना है, एवरीथिंग अ वुमेन हैज टू डू। बट उसके साथ साथ आपको अपना वेट लॉस भी करना है, वेट लॉस के लिए आपको खाना भी बनाना है, जो कि एकदम स्पेशल खाना होता है, किसी और को वो खाना खाना नहीं होता। आपको स्पेशली अपने लिए आटा गूंदना है, स्पेशली अपने लिए सब्जी काट के बनानी है, तो एक वुमेन को आलस आ जाती है कि छोड़ना यार। तो प्लीज आप अगर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो लेजीपन बीच में बिल्कुल मत दिखाइए, आपको करना है कैसे भी करके वो करना है। सो थर्ड टिप इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको डाइट प्लान फॉलो करना है, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे, सुबह आराम से उठ रहे हैं 12 बजे, खा रहे हैं 4 बजे, सो रहे हैं 2 बजे, तो कोई मतलब नहीं है। आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा अच्छे से, और टाइम के हिसाब से आपको अपनी चीजें करनी है। जैसे आपको उठना टाइम पे है, सुबह आप 6 से 7 मैक्सिमम 8 बजे तक उठ जाओ। रात को आपको टाइम से सोना है, 10 से 11 बजे तक आप सो जाओ, क्योंकि डाइट और वेट लॉस जर्नी में आपका 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब मैं कम नींद लेती थी, 4 से 5 घंटे की नींद लेती थी, तो मेरा वेट लॉस नहीं होता था, बहुत थोड़ा होता था, या बिल्कुल भी नहीं होता था, या कभी कभी बढ़ भी जाता था। तो यस, 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर फॉलोइंग दिस जर्नी। सो नेक्स्ट टिप इज, ये टिप आपको हर कोई बताता है दुनिया में, वो चाहे वेट लॉस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। पानी पीना वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम भी दिन में मैं बड़ी बॉटल 3 से 4 पीती थी। अगर आप उससे भी ज्यादा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है, आपके फेस पे ग्लो आता है, और आपका वेट लूज बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट इज, डू नॉट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं लेना, चाहे वेट लॉस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी उस वे में काम नहीं करेगी, आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा, सर दर्द होगा, और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस किसी भी चीज का नहीं लेना है। नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस जर्नी में आपका पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। चाहे आप अच्छा भी खा लो, आपको फ्रूट्स ही खाने हैं, तो ये नहीं कि पतीला भर के फ्रूट्स खा लिए, जैसे होता है जनरली, क्योंकि आदत होती है ना, जैसे पंजाबियों को मान लो आदत है अभी हमारे जैसों को कि भर भर के पराठे खाने हैं, मक्खन लगा के, नाल दही अचार सब कुछ, ये सब खाना है। और उसको क्रेविंग को एकदम से रोकने के लिए आपको पोषण कंट्रोल तो जरूरी है, लेकिन पोषण कंट्रोल में भी ये नहीं कि आप भर भर के खा रहे हैं, तो आपको लिमिट में खाना है। मैं भी जैसे कुछ भी खाती थी तो मैंने अपना एक बाउल फिक्स कर लिया था, मीडियम साइज का बाउल, उसी में मैं खाती थी। तो आप भी अपना कोई भी ऐसा बर्तन एक फिक्स कर लो कि आपको इतनी क्वांटिटी में ही वो चीज खानी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको शायद ही कोई बताएगा, कि आपको चावल और चपाती कभी भी साथ में नहीं खाना है। साथ में मतलब एक मील में नहीं खाना। अगर आप राइस खा रहे हैं तो चपाती मत खाओ, चपाती खा रहे हो तो राइस मत खाओ, बिकॉज इट कॉम्प्लिकेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम।
आपको जल्दी से ये चीजें पचती नहीं है और आपका फिर वेट लॉस बहुत आसानी से नहीं होता है। जब भी आपके खाने खाने का टाइम हो रहा है, जो भी एक आपने टाइम फिक्स किया है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप एक गिलास भर के पानी पी लो। पानी पीने से क्या होगा, आपकी भूख थोड़ी सी, आपकी जो हंगर है वो कम हो जाएगी एंड आप कम खाना खाओगे और एट दी एंड आप ओवर ईट नहीं करोगे। नेक्स्ट इज ट्राई टू इंडल्ज लाइक दिस एक्टिविटी इन योर रूटीन। 30 to 40 minutes अगर आप वॉक कर सकते हैं डेली तो जरूर करिए। इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड विल लाइक आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो एनहेंस हो जाएगा। मैंने भी शुरू में 15-20 दिन अपना वॉक किया था, लेकिन उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मैं इतना थक जाती हूँ कि वॉक तो क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर आप भी वॉकिंग है नहीं कर सकते तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो 30 to 40 minutes या उससे भी कम तो वॉक थोड़ा थोड़ा आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट हमारे खाने को लेके है कि अगर आपको चपाती खानी है तो चपाती कभी भी आप एक सिंगल आटे की ना खाएं। सिंगल मतलब सिंगल ग्रेन का आपको चपाती नहीं खाना है। कभी भी आप खाएं तो बहुत सारे ग्रेन्स को मिक्स करके खाएं। बहुत सारा मिक्स कर, ग्रेन का मतलब ये भी नहीं कि आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा ले आओ, वो कोई भी बेनिफिट नहीं करने वाला आपको। आपको खुद से आप ज्वार का आटा लेके आइए, बाजरे का लेके आइए, बेसन लीजिए, ऐसे 3-4 आटे आप अलग अलग लाओ और घर में आके उसको मिक्स कर लो जब भी आप बना रहे हो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। तो ये वाली अगर आप मिक्स चपाती खाते हो तो वो आपको ज्यादा हैवी भी नहीं होगी, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स मिलेंगे और आपका वेट लॉस बहुत आसानी से होगा। तो ये एक प्रोटिप है कि आप बहुत सारे आटे को मिक्स करके मल्टी ग्रेन्स की रोटी खुद बना के खाइए, ना कि एक आटे की रोटी। अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपना मेन रूटीन कि मैं दिन भर क्या खाती थी, क्या करती थी और कैसे खाती थी, जिसकी वजह से मैंने 10 किलो लूज किया है। तो सबसे पहले सुबह का अलार्म आप रख लो, क्योंकि हम जैसे जो लेजी बम्स होते हैं सुबह सुबह उठ नहीं पाते। सुबह आपको 6 से 8 बजे के बीच, इतना बड़ा टाइम फ्रेम है आपके पास 2 घंटे का, आपको मैक्सिमम 8 o'clock तक उठ जाना है। 8 o'clock तक आप सुबह उठ जाइए। तो आपको सुबह उठ के क्या लेना है, सबसे पहले गर्म पानी। गर्म पानी कौन सा लेना है आपको, रात को सोने से पहले जीरा, थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा पानी में सोख कीजिए। कभी कभी आप चेंज कर सकते हैं, एक बार एक हफ्ते के लिए आप सिर्फ सोक्ड जीरे का पानी पीजिए, नेक्स्ट वीक आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ मेथी दाना सोख करके पानी पी सकते हैं, या दोनों आप कंबाइन भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप सिर्फ सौंफ को सोख कीजिए रात भर, उसका आप पानी पी सकते हो, ठीक है। आप बे लीफ का पानी पी सकते हो सुबह उठ के, या आप सब चीज को कंबाइन करके आप डुबो के रख दीजिए सोख करके, और नेक्स्ट डे सुबह उठ के आपको वो सारी चीजें बॉयल करनी है। अच्छा खासा आप पानी को बॉयल कीजिए और उसको थोड़ा सा ठंडा जब हो जाए गुनगुना करके उसको आपको पी लेना है। सुबह उठ के जब आप ये गर्म पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को एक प्रोसेस, लाइक कहते हैं ना उसे, कैटलिस्ट की तरह वो एक काम करेगा आपकी बॉडी में। एक साइंटिफिक टर्म है, हम साइंस के बच्चे हैं तो ऐसी भाषा हमारे मुंह से निकल जाती है। कैटलिस्ट के तौर पे वो आपका काम करेगा, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जितने हैं वो सारे के सारे वो निकाल देगा। तो यस, दिस इज योर फर्स्ट टास्क फॉर द डे। ड्रिंक सोक्ड जीरा मेथी दाना सौंफ का पानी इन द मॉर्निंग। 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लो, ताकि आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है तो आप पूरे दिन का वो आसानी से आपका शेड्यूल हो सकता है। तो अब आपको सुबह सुबह खाना क्या है ब्रेकफास्ट में, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि ब्रेकफास्ट आप हैवी से हैवी करें। हैवी का मतलब ये नहीं है छोले भटूरे खा लिए, बर्गर खा लिया, हैवी का मतलब है हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैं आपको ये ऑप्शंस दे रही हूँ साइड में, आप इनमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। या तो आप 2 रोटी खा लो सब्जी के साथ, सब्जी कोई भी आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सब्जी ऐड करो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मेथी खा लो, है ना, आलू आप मत खाओ। आलू ये नहीं कहती मैं कि उससे वजन बढ़ता है, मैंने अपनी डाइट में आलू इंक्लूड नहीं किए थे, मुझे ऐसा है। कभी कभी आप खा सकते हो क्योंकि उसमें कार्ब ज्यादा होते हैं तो लोग कहते हैं वजन बढ़ जाता है। तो आप ग्रीन्स की सब्जी ज्यादा खाओ, ठीक है। सुबह सुबह आप घी की सब्जी बना सकते हो, लौकी की, या जो भी आपको शिमला मिर्च पसंद है, पनीर पसंद है, पनीर आप खा सकते हो। सुबह सुबह आप रोटियों पे अपनी घी लगा के खाओ। घी कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा, मोटा नहीं करेगा। सवेरे का घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो दो रोटी खा लो, अच्छी सी रोटी भी मैंने आपको कौन सी बताया, सिंपल आटे की नहीं, मल्टीग्रेन आटा। और मल्टीग्रेन कौन सा, आपको घर में उसको मल्टीग्रेन बनाना है, या तो आप बेसन और सिंपल आटा मिक्स कर लो तो ऐसा हो जाएगा, या आप ज्वार बाजरा का मिक्स करके ऐसे आपको वो दो चपाती, और वो बहुत हैवी होती है, आपको बिल्कुल दिन भर फुल रखेगी वो। और थोड़ा सा आप सैलेड ले सकते हो, अगर आपको नहीं है इतना टाइम, आपको खुद ही अपने लिए बनाना पड़ता है जस्ट लाइक मी, तो आप ओट्स खा सकते हो। मैंने अपने 3 महीने की जो मैंने डाइट फॉलो की है उसमें शायद मैंने 2 महीना सिर्फ ओट्स ही ओट्स खाया है सुबह। ओट्स आप मिक्स वेजिटेबल ओट्स बना सकते हो, अच्छे से उसका तड़का भी आपको लगाना है तो 1 चम्मच आप घी डाल के तड़का लगाओ, एक नंबर टेस्ट आता है। पहले मैं तेल में करती थी लेकिन जब से मैंने घी डाला तो मैं घी डाल के ही तड़का लगाती हूँ, तो आपका ओट्स खाने को अच्छे से मन करेगा। तो बहुत सारी सब्जियां डाल के आप खाओ, बहुत अच्छा आपको उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है मैं इतना वो तामझाम करने का कि आपको वेजिटेबल्स काटो ओट्स बनाओ, तो आप सिंपल दूध लो, दूध में बॉईल करके भी आप ओट्स बना सकते हो। मैंने बहुत टाइम लाइक एक महीना कम से कम मैंने यही वाला ओट्स भी खाया है। तो सुबह उठ के टाइम नहीं होता तो सिंपल दूध बॉईल करो, ओट्स डालो, 4-5 दाने बादाम के डाले उसमें, तो आपको एक अच्छा मील मिल जाता है, तो फुल रखता है आपको दिन तक एटलीस्ट, और इट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। तो आप ओट्स खा सकते हैं, अगर आपको ये मन नहीं है तो आप होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, और अच्छा सा आप सैंडविच बना सकते हैं सब्जी का, ग्रीन्स का, उस कोई भी ग्रीन सब्जी उसमें ले लो, कॉर्न ले लो, पालक ले लो, मेथी ले लो, उसको चॉप करके आप सैंडविच खा सकते हैं। सैंडविच के साथ आप ग्रीन चटनी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ आप सैंडविच खा सकते हैं, बहुत फुल रखता है ये भी आपको। दूसरा आप खा सकते हैं स्टफ्ड पराठा। पराठे तो सबके घर में ज्यादातर बनते हैं सुबह सुबह, लेकिन आपको उन पराठों के ऊपर तेल नहीं लगाना, आप सिंपल अपना मल्टीग्रेन वाला आटा आपको लेना है, उसमें आप स्टफ कीजिए चीजें। और अगर आप मल्टीग्रेन वाला नहीं भी ले रहे क्योंकि उसके अंदर स्टफ करने में दिक्कत होती है, फिर वो अच्छे से बिलता नहीं है, तो आप नॉर्मल आटे का भी स्टफ चीज खा सकते हैं, बट उसके ऊपर तेल ना लगाओ, सिंपल उसको सेको, बाद में आप उसके ऊपर 1 चम्मच घी लगा के खा सकते हो, दही के साथ आप खा सकते हो। तो स्टफ पराठा एक आपके पास ऑप्शन है। और आप खा सकते हो सुबह सुबह वेजिटेबल उपमा खा सकते हो, बहुत हेल्दी होता है वेजिटेबल उपमा, ये भी आपको काफी देर तक फुल रखता है। वेजिटेबल उपमा आपको नहीं खाने का मन है तो आप चीला खा सकते हो, तरह तरह के चीला आप बना सकते हो, लाइक मूंग दाल का चीला बना लो, बीट रूट का चीला, बहुत हेल्दी होता है, बीट रूट का चीला बना लो, बेसन का चीला सारी सब्जियां डाल के आप बना सकते हो, ओट्स का भी आप चीला बना सकते हो, ओट्स को आप घर में ही रोस्ट करके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके एज इट इज जैसे आप बाकी चीलास बनाते हो वो आपके पास वो तैयार हो जाएगा बैटर, आप उसका चीला बना सकते हो। इन सबको आप दही के साथ, या आपको कोई वेजिटेबल साथ में खाने का मन है तो वेजिटेबल खा लो, चटनी खाने का मन है ग्रीन चटनी, नॉट टमाटो कैचअप नहीं खाना, मीठा होता है उसमें, शुगर आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर डाइट वेट लॉस जर्नी, तो आप ग्रीन चटनी खा सकते हो, बहुत हेल्दी है। तो 5 से 6 ऑप्शन मैंने आपको ब्रेकफास्ट के दे दिया, अगर आप रोज एक भी लेते हो तो आपका पूरा हफ्ता इजिली विद ऑल दीज डिलीशियस आपके साथ चीजें हैं, आप आराम से पूरा हफ्ता निकाल सकते हो। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट के, जो कि आपको हैवी करना है, जो कि आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन फुल रखेगा, कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। ब्रेकफास्ट आपने कर लिया 9 बजे तक, उसके बाद आ जाओ 11 बजे। आप मैंने अपना रखा था कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद से लेके दिन तक मुझे एक बोतल पूरा पानी पीना है, कुछ 1.5 लीटर्स की मैंने अपने पास एक बोतल फिक्स रखी है, वो पानी मुझे दिन तक पीना ही पीना है। तो आप भी अपने साथ कुछ ऐसा कर सकते हो, एक बोतल अपने पास रख लो और सिप सिप करके आपको पानी पीना है। ये नहीं करना कि पूरा दिन पानी पिया नहीं, रात को जी 3 बोतल एक साथ घड़का ली, वो भी नहीं आपको करना, इससे भी आपकी हेल्थ को नुकसान होगा और ये फर्क नहीं करेगा आपके वेट लॉस में। तो आपको सिप सिप करके ही दिन भर पानी पीना है, ठीक है, पानी आप पीते रहिए, बीच बीच में रिमाइंडर्स लगा लो अगर आपको याद नहीं रखता, और अगर आप अपने पास बॉटल रखोगे तो आपको याद रहेगा पीने का। उसके बाद 11 बजे आ जाओ, 11 बजे आपको लेना है एक मिड स्नैक। ये मिड स्नैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये मिड स्नैक लेते हैं तो आपको दिन में खाने की जो भूख है आपकी थोड़ी वो कम हो जाएगी, और अगर आप ये मिड स्नैक नहीं लोगे तो आपको दिन में बहुत भूख लगेगी, फिर आप ज्यादा खाओगे और फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगी आपकी। तो ये मिड स्नैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिड स्नैक में आपको फिर से चपाती चुपूती नहीं खानी है, आपको बिल्कुल हल्का खाना है। लाइक आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, आजकल गर्मी है तो कोकोनट वाटर पी लो। आप कोई फ्रूट ले सकते हो, एप्पल ले लो या कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं खाना तो आप रोस्टेड चना खा सकते हो सिंपल, आप ग्रीन टी पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। कुछ भी ऐसा हल्का आपको कैरी करके लेके चलना है अगर आप बाहर जा रहे हो। कोई बहाना कोई एक्सक्यूज आपको अपने साथ नहीं रखना है। आपको जब भी अगले दिन की प्लानिंग करनी है तो एक दिन पहले से ही आप कर लो कि ये मेरे को अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। मैं भी अपने साथ, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल होता है मैं छोटी छोटी डब्बियों में कैरी करके लेके जाती हूँ अपने साथ। जैसे मैं अपने साथ ये बादाम के डब्बे लेके जाती हूँ, ये मैंने बादाम, इसमें कोई भी आप ड्राई फ्रूट भर सकते हो, ठीक है। और मैं अपने साथ ये चने हमेशा लेके जाती हूँ, रोस्टेड चना। ये हमेशा आप अपने साथ कैरी करके लेके जाओ ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि आपके पास कुछ भी खाने को नहीं है फिर आप अटर चटर खा लो, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो 11 बजे के करीब आपको ये मिड स्नैक लेना है जो आपकी भूख को कम करेगा, दैट्स इट। फिर आपको फिर से पानी पीना अपना कंटिन्यू रखना है, ठीक है, पानी पीते रहिए। फिर आ गए हम 1 से 2 बजे के बीच। 1 से 2 बजे के बीच आपको करना है लंच। ज्यादा देर से आप लंच मत कीजिए क्योंकि अच्छा नहीं है, फिर आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा बाद का भी। तो 1 से 2 तक आप अपना लंच कर लो। अब लंच में आपको क्या क्या खाना है, अगर आप सुबह रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप एकदम रोटी को स्किप मत करो। आप दिन में अगर आपको चावल खाने का मन है, जैसे आपने सुबह रोटी खा ली तो दिन में आप चावल खा लो, क्योंकि राइस और चपाती आपको एक साथ नहीं खानी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो दिन में आप राइस खा सकते हो। जैसे अगर आपका राजमा चावल खाने का मन है तो राजमा कटोरी बड़ी होनी चाहिए राजमा की, और चावल की कटोरी छोटी होनी चाहिए। लाइक आपको सिर्फ छोटे 3-4 स्पून ही लेना है चावल का, बिल्कुल छोटी कटोरी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रिवर्स कर देना है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, चावल बहुत सारे लेते हैं और सब्जी इतनी सी, वो नहीं करना। अभी आपको सब्जियां बहुत ज्यादा खानी है और बाकी रोटी और चावल बहुत कम। तो चावल आपको इतना सा लेना है और बाकी पूरा बड़ा कटोरा आप ले लो राजमा का, दाल का आप खा सकते हो। मैं ज्यादातर दिन में, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं राजमा चावल ये सब खाऊं। अगर घर पे कभी कभी होती थी तो मैं कुक कर लेती थी। अदरवाइज आप दिन में खा सकते हो चना चाट, स्प्राउट सैलेड आप खा सकते हो। चना बहुत लाइक हेल्दी है, प्रोटीन है, और जितना ज्यादा आप प्रोटीन खाओगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी किसकी बनी है, प्रोटीन की, एमिनो एसिड्स की, तो आप जितना ज्यादा प्रोटीन लोगे आपका वेट लॉस उतना अच्छा बेहतर होगा। तो दिन में मैं हमेशा, मैंने शायद 3 महीने जितना भी वेट लॉस किया मैंने ज्यादातर दिन में चना चाट ही खाया है। आप कभी चना ले लो, काला चना, कभी कभी उसमें व्हाइट चना मिक्स करके अच्छा सा प्याज टमाटर डाल के, सब्जियां डाल के, थोड़ा नींबू विम्बू डाल के मस्त चाट बनता है, वो खाओ। अगर आपको चाट खाने का मन नहीं है तो राजमा चावल खा लो। अगर आपको रोटी खानी है तो 1 रोटी खा लो, सब्जी ले लो, सैलेड ले लो साथ में, कोई भी बीटरूट का सैलेड या तरह तरह के सैलेड आजकल आप बना सकते हो, वो आप खा लो, ठीक है। दाल खा सकते हो कोई भी आप। और मैं ज्यादातर दिन में खाती थी सोया चंक्स का सब्जी बना के। सोया चंक्स को आपने उबाल लिया, टमाटर वगैरह डाल के अच्छी सी उसकी सब्जी बना ली, वो खा ली। मैं दिन में ज्यादातर प्रोटीन खाती थी, प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट मेरा दिन में होता था, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि अगर हम दिन भर में प्रोटीन नहीं लेते या बहुत कम लेते हैं तो वेट लॉस बहुत धीरे, बहुत स्लो होता था, या फिर होता ही नहीं था अगर मैं प्रोटीन नहीं लेती थी। एज आई एम प्योर वेजिटेरियन तो मैं एग्स, फिश ये सब नहीं खा सकती, नहीं खाती हूँ बल्कि। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रोटीन में, एज फॉर प्रोटीन एग्स आप ऐड कर सकते हैं, या जिसमें भी प्रोटीन होता है वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर प्रोटीन में पनीर खा सकती थी, सोया चंक्स खा सकती थी, या फिर दालें, राजमा, चना, तो मैं ये सब दिन में खाती थी सो दैट मेरा प्रोटीन का जो इनटेक है वो फुल रहे और मेरा वेट लॉस अच्छे से हो। तो आप दिन भर में प्रोटीन एक बार में जरूर ऐड करें, इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, एकदम बहुत अच्छा होगा, मैं आपको बोल रही हूँ, लिख के ले लो। तो फिर से आधे घंटे बाद आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। एकदम से पानी मत पीना, ठीक है, आधे घंटे पहले ही आपको खाने के पानी पीना है, और फिर आधे घंटे बाद से आप फिर से अपना पानी का प्रोसीजर शुरू कीजिए। फिर आ गए हम 4 से 5 बजे तक के बीच के टाइम फ्रेम में। 4 से 5 तक आपको लेना है अपना इवनिंग स्नैक। अगेन, अगर आप इवनिंग स्नैक खा रहे हो तो आपको रात के डिनर में भूख कम लगेगी, तो इसलिए ये लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड इवनिंग स्नैक में आप खा सकते हो रोस्टेड चना, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये रोस्टेड चना मैं अपने साथ हमेशा रख।
तो मिड स्नैक में आप रोस्टेड चना ले सकते हो, आप मखाना खा सकते हो, फॉक्स सीड्स भी बोलते हैं मखाना को। मखाना सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत क्रंची, लाइक मेरा फेवरेट स्नैक है। पूरी डाइट में मुझे मखाना खाने के सिवा और लाइक कुछ अच्छा लगा ही नहीं। तो मखाना आप खाओगे, आप उसको घर पे ही, मसाले वाले मत खरीदना मार्केट से, घर पे ही आप उसे रोस्ट करो अपने हिसाब से। आप उसमें ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मिर्ची डाल के फ्राई कर सकते हो और उसे डब्बे में भर लो और अपने साथ जहां भी जाते हो कैरी कर लो। और एक नंबर का टेस्टी स्नैक है, मजा आ जाएगा आपको खा के। तो इवनिंग में आप ये खा सकते हो, इससे आपकी थोड़ी, और भर भर के नहीं खाना, एक मुट्ठी, आपकी जितनी मुट्ठी है, मेरी छोटी है आपकी थोड़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से तो आप ये खा सकते हो इवनिंग में। देन हमारा आता है डिनर एंड लास्ट मील ऑफ द डे। थक गए होंगे आप अभी तक डाइट प्लान फॉलो कर करके, तो ये सिर्फ लास्ट है। दिन में आपने पूरा कर लिया, आखिरी पड़ाव भी आपको ये पार करना है। डिनर आपको कर लेना है 6 से 7 बजे के बीच, इससे लेट आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप 7 बजे के बाद करते हैं, एक तो सनसेट हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी की जो अंदर की हीट है वो लो हो जाती है, तो आपका जो बॉडी का पचने का सिस्टम है वो भी लो हो जाता है, आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं। तो 7 बजे तक मैक्सिमम आप अपना डिनर कर लो, और डिनर आपको करना है एकदम लाइट, कहते हैं ना के बराबर खाना वो खाना है। तो सोचना भी मत कि क्या है ये खाना है कोई, वो ना के बराबर है, इससे अच्छा मत खाओ, पर फिर भी हमें कुछ खाना है। तो डिनर आपको एकदम लाइट से लाइट करना है। आप कद्दू का सूप पी सकते हो, ठीक है, या आप 1 बाउल ऑफ फ्रूट्स खा सकते हो रात को। पपाया खा लो, पपाया सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन में भी ग्लो लाता है। कोई भी आप सीजनल फ्रूट खा सकते हो 6 से 7 बजे के बीच, तो ये खा लो। आप, मैं ज्यादातर सूप्स पीती थी, या आपके पास फ्रूट्स का ऑप्शन है। अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं खाना, बहुत थक गए हो, तो आप 1 ग्लास दूध का पी के सो सकते हो, चुपचाप दूध पी लो। उसमें आप कुछ भी अपना हल्दी मिला सकते हो, हल्दी वाला दूध पी सकते हो। तो दीज 3 ऑप्शंस आप नाइट के लिए रखो तो बहुत बढ़िया है। आप फिर अपना खा लिया आपने डिनर 6 से 7 बजे के बीच, उसके बाद थोड़ा वॉक कर सकते हो तो कर लो, या आपने, आपको जो भी अपने पेंडिंग काम करने हैं वो कर लो। उसके बाद आपको 9 से 10 बजे के बीच अपनी लेनी है नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक लिए बिना आपको नहीं सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोने से पहले अगर आप ये नाइट ड्रिंक पीते हो तो अगली सुबह आपकी स्मूथ होगी, आपका बॉडी का टॉक्सिन इजिली इजिली निकलेगा, तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो नाइट ड्रिंक में आपको क्या लेना है, अजवाइन की टी, अजवाइन की चाय। तो अजवाइन आपको पानी लेना है, अजवाइन डालना है, और उसमें थोड़ा सा आप जीरा भी डाल दो, अच्छे से उसको बॉईल करो, 1 ग्लास लो, आधा ग्लास हो जाना चाहिए वो चाय आप छान के पी लो गर्मा गर्म, और आपकी नाइट हो जाएगी बढ़िया। चुपचाप आपको सो जाना है 11 बजे तक मैक्सिमम। इस आपको अपना ये गैप बनाना है कि आप 8 घंटे की नींद पूरी लो, 8 घंटे से कम मत सो, नहीं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था जब मैं कम सोती थी तब, ठीक है। तो आपको सो जाना है, और सोने से पहले अगले दिन के लिए जीरा मेथी दाना भिगाना मत भूलना, 1 बाउल में ये अगली सुबह के लिए आपको वापस से भिगा लेना है। कल आपको अगले दिन क्या क्या खाना है, क्या क्या अपने साथ कैरी करना है, वो आप अपना प्लान पहले से बना लेना, ताकि अगले दिन के लिए आपके पास कोई भी एक्सक्यूज ना हो। यही था मेरा सिंपल सा डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके मैंने 10 केजी लूज किया है, एंड आई एम स्टिल ऑन द वर्ज टू लूज मोर। मेरे को 5 केजी और लूज करना है, तो मैं वो भी अभी कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है। अगर आपका वेट कभी कभी स्टक हो जाता है बीच में, नहीं होता, तो आपको हारना नहीं है कि अरे वेट लूज नहीं हो रहा, मैं वापस से यही खाना चालू करती हूँ, नहीं होगा, नहीं, हारना नहीं है, कुछ दिन बाद आपका होगा, ठीक है, वेट लूज होगा। तो आपको वो अपना प्रोसेस कंटिन्यूअस रखना है, कंसिस्टेंसी आपको अपनी बरकरार रखनी है, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। और तो गाइज, आपको अपने लिए खुद ही एक मोटिवेशन लाना है, खुद ही आपको इंस्पिरेशन अपने लिए बनना है। कोई आपको नहीं आएगा कि वेट लूज कर, वेट लूज कर, ठीक है, या आपको किसी के दबाव में आके नहीं करना है, आपको खुद से लाना है कि यार मेरे को पतले होना है, मेरे को खुद के लिए पतले होना है। तो उसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा, आपको हर कपड़ा फिट होएगा, आप खूबसूरत लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। मैंने भी अभी ये जो जंप सूट पहना है, ये मुझे आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2.5 महीने बाद जब मैंने पहना, मुझे इतना प्राउड हुआ कि वाह यार मैं कर सकती हूँ। लाइक मैंने जान पूछ के स्मॉल साइज के कपड़े मंगवाए थे, और जान पूछ के नहीं, मतलब आ गए थे और मुझे फिट आ ही नहीं रहे थे। तो जब मैंने 2.5 महीने बाद ट्राई किया, तो मुझे सब कुछ फिट आ रहा था और एकदम बराबर से। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मैंने सच में कर लिया, मुझे एक साइज छोटा मैंने अपने आप को कर लिया, और मेरे को सारे कपड़े फिट आ गए हैं।
तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। कुछ नहीं करना, कुछ फैंसी मैंने आपको बताया नहीं है, सिंपल घर का आपको दाल रोटी खाना है, पोषण में खाना है, दैट्स इट। अगर आप सारे ये टिप्स फॉलो करते हो तो आपका लूज वेट होगा, डेफिनेटली होगा। और एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी साथ में, अगर आपके पास कोई वेइंग मशीन नहीं है तो एक वेइंग मशीन पे आप इन्वेस्ट कर लो। सुबह सुबह आप फ्रेश होने के बाद और कुछ भी कंज्यूम करने के बाद पहले कुछ भी कंज्यूम करने से पहले आप वेट एक बार अपना जरूर चेक कर लो। आप अगर रोज डेली अपना वेट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने जो लास्ट डे पे खाया था वो आपकी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, आपका किस तरह से वेट लूज हो रहा है, ताकि आगे जाके आपको पता चले कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और वो वेट लूज आपको अगर आप वेट देखोगे तो वो आपको अपने दिमाग में नहीं रखना कि अरे आज तो 200 ग्राम ही लूज हुआ है, अरे आज तो 100 ही लूज हुआ है, वो दिमाग में नहीं रखना। वो बस आपको अपनी बॉडी को आपकी किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है सिर्फ उसके लिए देखना है। वेट एक बार देख लिया भूल जाओ उसको, दिन भर अपना प्लान फॉलो करो, फिर नेक्स्ट डे आप अपना वो वेट चेक करो। वेट चेकअप करोगे डेली, थोड़ा थोड़ा लूज होगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक वेइंग मशीन ले लो और रोज सुबह उठ के आपको अपना वेट चेक करना है उसके ऊपर। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हैं इस वेट लॉस के रिगार्डिंग, आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सारे रिप्लाईज आपको दूंगी नीचे, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। अगर आपको नीचे कमेंट नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे जाके डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है thatperfectjourney_, वहां पे आपको नहीं जाना है तो वैशाली पांडे का मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी है, तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके जो कि है वैशाली पांडे के नाम से, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो कहीं भी आप मुझे डीएम करो, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर जरूर दूंगी। बस आपको एक अपना टारगेट रख लो कि मेरे को अब पतले होना है, मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को हेल्दी दिखना है। सो यस गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर सीकिंग फॉर एनी गाइड एंड हेल्प कि वो वेट लॉस कैसे करें, फैंसी डाइट्स लें कि ना लें। तो सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करो सो दैट वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। एंड यस, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो दैट मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाती रहूँ और आप तक अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज शेयर करती रहूँ। एंड अभी भी काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट बटन। प्लीज़ लेजी मत बनो, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, लेजी मत बनो, नीचे सब्सक्राइब बटन कर दो। एंड थैंक यू। तो गाइज मैं आपको आज अलग तरह का बाय बाय करूंगी, ऐसे वाला बाय बाय।